भारतीय सिनेमा सबसे पुराने सिनेमा में आता है। आज हर कोई इसका हिस्सा बनना चाहता है, लेकिन इस सिनेमा को लाने वाले की पूरी कहानी क्या थी ये कोई नहीं जानता। दरअसल दादा साहब ने ही फिल्मों को पहचान दी थी, उनकी बदौलत ही आज हम फिल्म देखने और उसका हिस्सा बनने में कामयाब हैं। उन्होंने फिल्म बनाने में कितनी मेहनत की इससे बहुत ही कम लोग वाकिफ हैं। तो चलिए आज उन्हीं के बारे में जानते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल एनएन बॉलीवुड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही कर लें। इसके साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। साल 1910 में बम्बई के अमेरिका इंडिया पिक्चर पैलेस में द लाइफ ऑफ क्राइस्ट दिखाई गई थी, जिसको देखने के बाद लोग हैरान थे। जहां कई लोग दंग थे तो वहीं धुंधीराज गोविंद फाल्के ने यह तय किया कि वो भी भारतीय धार्मिक और मिथकीय चित्रों पर रूप पहले पर्दे पर लाएंगे। वो फिल्म को बनाने के लिए इंग्लैंड जाकर कई सारी फिल्म से जुड़ी हुई मशीन लेकर आए, जिसके लिए उन्होंने अपना सारा पैसा दांव पर लगा दिया। बता दें, इंग्लैंड पहुंचने के बाद फाल्के जी ने बायोस्कोप फिल्म पत्रिका की सदस्यता ली। दादा साहेब 3 महीने की इंग्लैंड यात्रा के बाद भारत लौटे। इसके बाद उन्होंने बम्बई में मौजूद थिएटरों की सारी फिल्में देखी। दादा साहेब रोजाना शाम में 4 से 5 घंटे सिनेमा देखा करते थे। उसके बाद वो फिल्म बनाने की उधेड़बुन में लगे रहते थे, जिसके चलते उनकी आंखों की रोशनी भी चली गई थी। भारत की सबसे पहली फिल्म के जनक भी दादा साहेब थे। उन्होंने ही फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई थी, जिसके सारा काम उन्होंने ही किया था। इसके बाद वो एक से बढ़कर एक फिल्म देते गए और फिर 1920 में उन्होंने हिंदुस्तान फिल्म से इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही उन्होंने सिनेमा जगत से भी रिटायरमेंट लेने की घोषणा कर दी। आज उन्हीं के नाम से ही फिल्म जगत का सबसे महत्वपूर्ण अवार्ड दादा साहेब फाल्के दिया जाता है, जो हर कलाकार के लिए बेहद खास है। फिलहाल के लिए इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और आप कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।